hello everyone welcome to the layman way and this video is a part of my playlist on indian polity where we are discussing indian constitution at work and guys if you want to view the full course you can always go on the i button in the top right corner and view our full playlist all right guys these courses are all free for you so don't forget to smash the like button subscribe and also turn on the notifications and if you are following this course do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys so that we can motivate one another and let's get started सो गाइज लेट्स मूव अ हेड इनर लेक्चर और लास्ट uh, लेक्चर में हमने जुडिशरी को स्टार्ट किया था है ना और आज हम आगे बढ़ते हैं उसी लेक्चर में और पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कि जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है हमने देखा था कि वो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है है ना तो कौन कौन कैसे कैसा होगा सुप्रीम कोर्ट होगा हाई कोर्ट होगा फिर नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे फिर उसके नीचे कोर्ट्स आएंगे है ना इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा तो चलो देख लेते हैं क्या क्या होता है तो देखो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले अपना सुप्रीम कोर्ट आता है, है ना सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है उसके नीचे क्या आता है उसके नीचे हाई कोर्ट आता है हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे क्या आते, है? आते हैं फिर सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स आते हैं ठीक है कचहरी जो डिस्ट्रिक्ट के भी नीचे होते हैं ना कचहरी वगैरह होते हैं जो नॉर्मल सिविल क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं छोटे केसेस को डील करते हैं ठीक है न्यायालय जिसको बोलते हैं ना तो वो अपने क्या हो गए वो हो गए सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स ठीक है अब हम थोड़े थोड़े फंक्शंस भी देख लेते हैं इसके कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है सुप्रीम कोर्ट के सबसे बाद पहले तो डिसीजन सारे कोर्ट्स uh, पे बाइंडिंग होते हैं क्योंकि ये ही सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फादर ऑफ ऑल कोर्ट्स है ना तो मतलब जितने भी कोर्ट्स नीचे हैं उन सब पे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है तो दैट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स कोई इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ठीक है क्योंकि दैट इज़ सुप्रीम है ना अच्छा एक बात बताओ जस्ट जस्ट फॉर एन जी चेक करने के लिए जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था यू नो वन इंडिया वॉज नॉट नॉट इंडिपेंडेंट तो क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम कोर्ट था कि उससे ऊपर भी कोई कोर्ट था ठीक है उससे भी कोई ऊपर जुडिशरी की बॉडी थी तो ये सोचो और बताओ वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ऐसी कोई बॉडी थी क्या आंसर मैं बता दूंगा अभी कौन सी थी ठीक है तो हाँ ऐसी बॉडी थी उसका नाम था प्रीवी काउंसिल है ना प्रीवी काउंसिल थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बॉडी थी ये प्रीवी काउंसिल है ना तो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट सुप्रीम है ना समझ में आ रहा है उसके ऊपर भी एक बॉडी थी दैट वॉज प्रीवी काउंसिल ठीक है तो ये बस एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताना था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है ये हमने देख लिया और क्या क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इट कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करता है सुप्रीम कोर्ट ठीक है और कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इट कोई भी केस से कोई भी अगर कोर्ट नीचे वाला डील कर रहा है किसी केस से और उसको लगता है कि वो उसके जो रिजेक्शन में नहीं है तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है या तो हाई कोर्ट के पास या फिर अपने पास भी ले सकता है ना और कैन ट्रांसफ़र केसेज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर है ना तो हाई कोर्ट डिफरेंट बिटवीन हाई कोर्ट्स भी ये केसेस ट्रांसफर कर सकता है ठीक है तो समझ में आ गया इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है नॉर्मल से स्टेटमेंट का डिसीजन बाइंडिंग होता है हाई uh, कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करता है हाई कोर्ट के केसेस का ट्रांसफर कर सकता है एक हाई uh, कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ठीक है फिर बिटवीन uh, कोर्ट्स भी केसेस मूव कर सकता है कुछ भी कर सकता है मतलब सुप्रीम है सुप्रीम है तो कुछ भी कर सकता है ना फिर उसके नीचे आते हैं उसके नीचे क्या है हाई कोर्ट है अपना हाई कोर्ट क्या करता है जो नीचे वाले कोर्ट uh, से होते हैं जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है या सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है ठीक है तो इन मान लो इसका डिसीजन मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा था उसने डिसीजन दिया और आपको पसंद नहीं आया तो आप कहाँ अपील करोगे आप हाई कोर्ट में जाके अपील करोगे है ना आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाते हो पहले आप हाई कोर्ट जाते हो और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो अनटिल एन एन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेसन हो रहा है तो है ना फंडामेंटल राइट्स में भी आप पहले हाई कोर्ट जा सकते हो बट आपके पास फंडामेंटल राइट्स में ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो है ना ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट के पास पहले जाओ तो क्या करता है इट कैन हेयर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स है ना लोअर कोर्ट से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और सब कोर्ट्स हैं उससे अपील लेता है ऊपर है ना इन केसेस की इसके लिए ये अपीलेट जो प्रोवाइड करता है ना लोअर कोर्ट्स के लिए ठीक है कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स है ना फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जो होता है हमने रिट्स पढ़े थे ना तो क्या क्या है रिट्स मैंडमस कार्पस मैंडेमसो वॉरेंटो प्रोहिबिशन है ना ये सारे रिट्स हमने पढ़े थे तो ये रिट्स हाई कोर्ट भी इशू करता है हमने देखा था आर्टिकल थर्टी टू के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है और आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंदर हाई कोर्ट भी इशू करता है बट इसमें एक डिफरेंस होता है ठीक है दोनों की रिट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स में दोनों में डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस होता है कि देखो जो फंडामेंटल जो हाई कोर्ट है ठीक है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू करता है और नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी अगर लीगल राइट right है ठीक है अगर वो आपका वॉलेट हुआ है तो उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है ये जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिट इशू करता है फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए जबकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकता है प्लस कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट अगर वॉयलेट आपका हो रहा है तो उसके लिए भी हाई कोर्ट आपका रिट इशू कर सकता है ठीक है एक डिफरेंस तो ये हो गया ठीक है और दूसरा डिफरेंस क्या है कि देखो आ, जो आर्टिकल थर्टी टू है ठीक है आर्टिकल थर्टी टू क्या बोलता है आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आर्टिकल थर्टी टू इज़ अ फंडामेंटल राइट पहली बात तो ठीक है तो आर्टिकल थर्टी टू बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ना इसी में ही तो रिट जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इसी में तो ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला आर्टिकल है वो यही है उसमें यही बोलता है ना कि अगर फंडामेंटल राइट right आपका वॉयलेट हुआ दैन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शुड एंश्योर की वो राइट right जो है वो रिस्टोर हो है ना तो ये इसका क्या है ये इसका ऑब्लिगेशन है सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू टेक द केस समझ में आ रहा है अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है ठीक है और आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो ये बोलते हुए कि मेरा फंडामेंटल राइट स्टेट ने वॉलेट किया है तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपको मना कर देगा कि हम आपका केस नहीं सुनेंगे समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बिकॉज इट इज़ द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गारंटर ऑफ़ द फंडामेंटल राइट्स ये गारंटी करता है आपको आपके फंडामेंटल राइट्स जबकि हाई कोर्ट ऐसा कुछ गारंटी नहीं करता है तो हाई कोर्ट आपको मना भी कर सकता है हाई कोर्ट के पास ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हुए हैं तो उसको सुने उसके केस को सुने वो आपको मना भी कर सकता है तो आपको मना करेगा तो आप कहाँ जाओगे आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास समझ में आ रहा है तो पहली बात पहला डिफरेंस हो ये हुआ कि जो हाई कोर्ट का रिट रिट जुरस्डिक्शन है जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है दैट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट वाई क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है दैट इज़ फॉर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एज वेल है ना लीगल राइट्स जो नॉर्मल लीगल राइट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का यू uh, नो you know, सुप्रीम कोर्ट का जो uh, रिट जुरिस्डिक्शन है दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट अ मेजर डिफ्रेंस एक तो ये डिफरेंस हो गया दूसरा डिफरेंस क्या था दूसरा डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टू यू नो लिसन टू योर केस इट गारंटीज योर फंडामेंटल राइट्स बट हाई कोर्ट डज नॉट गारंटी इट कैन रिजेक्ट इट इट कैन रिजेक्ट योर यू नो अपील रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स तो जो ये रिट जो रिजिक्शन है हाईकोर्ट का दैट इज़ उसका डिस्क्रिश्शनरी पावर है ना वो चाहे तो आपका एक्सेप्ट करें चाहे तो नहीं एक्सेप्ट करें ठीक है उसके ऊपर कोई ऑब्लीगेशन नहीं है ठीक है समझ में आ गया और क्या करता है कैन डील विद द केस विद इन द जुरस्डिक्शन ऑफ द स्टेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट है ठीक है हाईकोर्ट स्टेट में होता है ना तो जो भी मैटर जो स्टेट जुरिस्डिक्शन में है उसी से बस हाईकोर्ट डील कर पाता है या फिर कोई ऐसा केस हो जो जिसका कोई कनेक्शन उस स्टेट से हो ठीक है तभी वो उस मैटर को हियर कर पाएगा नहीं तो आप ऐसा नहीं है कि आपका यू you नो know, कोई मद्रास का केस है कोई मद्रास में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया आप जाके यूपी के हाई कोर्ट में कंप्लेन कर रहे हो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है मद्रास का केस है तो आप मद्रास हाई कोर्ट में ही कंप्लेन करोगे समझ में आ रहा है आप मद्रास हाई कोर्ट में ही कंप्लेन करोगे आप जाके यूपी के यू नो हाई कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते समझ में आ रहा है अनटिल अंटिलेलेस अंटिल लेनल जो मद्रास में आपका केस चल रहा है उसका कोई ना कोई लेना देना यूपी से रिलेटेड है ठीक है उस स्टेट से रिलेटेड है तभी आप जाके उसके हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो नहीं तो नहीं कर सकते है. अगर एकदम इंडिपेंडेंट केस है मतलब मद्रास में केस हो रहा है उसका कोई लिंक ही नहीं है यूपी से तो आप यूपी के हाई कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है तो समझ में आया कि जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में चीज़ें होती हैं जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आपका राइट right वॉलेट हुआ है या कोई यू नो you know, कोई भी चीज़ हुई है आपके साथ जिसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना है तो आप बस स्टेट जुरिस्डिक्शन में ही जा सकते हो समझ में आ रहा है स्टेट स्टेट में अगर आपका वॉयलेसन हुआ है तो आप उसी स्टेट के हाई कोर्ट में जाओगे आप किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते ठीक है इतना समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं इट एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो नॉर्मल है जैसे सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट्स का यू you नो know, करता धरता है वैसे ही हाई कोर्ट उसके नीचे वाले कोर्ट्स का करता धरता है ही इज़ द फादर ऑफ़ दिस हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज़ द फादर ऑफ बिलो वाले कोर्ट आ गया तो इस टाइप से काम करता है ये समझ में समझना क्या बेसिक्स ही चीज़ें फिर नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट यू नो डि होते हैं तो अब हाई कोर्ट हर केस को तो नहीं दे सकता ना पूरे स्टेट में जितने केसेस हैं सबके सबको इतनी सारी जनता है भाई यूपी में मान लो इतनी सारी जनता है ठीक है तो सब जाके हाई कोर्ट में कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा हाई कोर्ट तो काम ही नहीं कर पाएगा ना समझ में आ रहा है तो उसके लिए क्या किया गया उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ठीक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में केसेस होते हैं उनसे डील करता है ठीक है इट कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजन बाय लोअर कोर्ट्स अब इसके नीचे भी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स उससे अपील आप कहाँ करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हो समझ में आ रहा है तो ये पूरा एक प्रोसेस है समझ में आ रहा है अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में आपको आपने आपका कोई केस चल रहा है सबॉर्डिनेट कोर्ट कोर्ट में ठीक है और आपको वो डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको पसंद नहीं आया तो आप कहाँ करोगे हाई कोर्ट में करोगे ठीक है हाई कोर्ट में भी पसंद नहीं आया तो आप कहाँ करोगे ये मैं बताऊँगा कहाँ करोगे बट इसमें कंडीशन होती है आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में बट इसमें कंडीशन होती है कि हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा उसको ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अभी समझ में आ गया इट इट कंसिडर्स द अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स तो लोअर कोर्ट्स जो अपील देते हैं उसके लिए अपीलेट जोरिजिक्शन कहाँ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है ठीक है डिसाइड द केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेज ठीक है तो क्रिमिनल ऑफेंस के केस डिसाइड करता है फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास आते हैं तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर के करता है समझ तो में आ गया बेसिक चीज़ है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि अब थोड़ा और डवेलिंग करते हैं और देखते हैं कि जो जो है सुप्रीम कोर्ट का वो किस किस टाइप से होता है ठीक है कौन कौन से टाइप के जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहला आता है ओरिजिनल जोरेजिक्शन ठीक है ओरिजिनल क्या मतलब हुआ ओरिजिनल मतलब, मतलब कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो समझ में आ रहा है डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन मैटर्स से डील करता है जो भी ओरिजिनल जोरेजिक्शन में चीज़ें आती हैं उस उन मैटर्स को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करता है ठीक है इतना समझ में आ गया इसीलिए इसको ओरिजिनल बोलते हैं ओरिजिनल मतलब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का राइट है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही जुरिसक्शन है और ऐसे केसेस जो ओरिजिनल जोरेजिक्शन के अंदर होते हैं उसके उसके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वो वाले डिस्प्यूट सेटल कर सकता है इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये ओरिजिनल जुरजिक्शन है समझ में आ गया ओरिजिनल मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है तो ओरिजिनल जुरिजिक्शन किस आर्टिकल में आता है सबसे पहली बात तो आर्टिकल 131 के अंदर आता है ओरिजिनल ओरिजिनल जुरजिक्शन ठीक है क्या मैटर डील करता है तो ये फेडरल डिस्प्यूट से डील करता है फेडरल मतलब जैसे मान लो सेंटर है ठीक है सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है ठीक है तो इनके बीच में डिस्प्यूट है तो वो कहाँ जाएगा ये ये डिस्प्यूट कहाँ सेटल होगा सुप्रीम कोर्ट में ठीक है फिर मान लो स्टेट कोई एक स्टेट है और कोई दूसरा स्टेट है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है ठीक है मान लो मद्रास और यूपी के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया ठीक है तो वो कहाँ जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ठीक है फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो है ना बहुत सारे स्टेट्स एक साथ हों ठीक है और सेंटर एक साइड पर हो समझ में आ रहा है तो वो वाले केसेस कहाँ जाएंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे समझ में आ रहा है तो इन सारे इन सारे टाइप ऑफ केसेस जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं ठीक है फेडरल मतलब जो जिनके पास पावर फेडरल मतलब क्या होता है जिनके पास पावर होती है सेंटर और स्टेट के पास पावर होती है ना तो जिनके पास ही पावर होती है उनके बीच में अगर यू नो डिस्प्यूट होता है सेंटर ऑन वन साइड स्टेट ऑन वन साइड स्टेट ऑन वन साइड एंड अनदर स्टेट ऑन अदर साइड समझ में आ रहा है ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑन वन साइड एंड सेंटर ऑन बी अदर साइड तो इन सब में कहाँ जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अब इसमें यहाँ इसमें ये देखो ध्यान रखना कि इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूटीज टीज इन्वॉल्व होते हैं क्या तो आप ये सीधा सीधा गलत कर देना कि यू टीज़ इन्वॉल्व नहीं होते हैं ठीक है आपको ऐसा लगेगा कि आप यू नो हम मैंने बोला था कि फेडरल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व हैं तो यूटीज़ भी तो आते हैं उसमें तो देखो यू टीज़ ना सेंटर के अंदर आते हैं ठीक है तो वो सेंटर में ही कवर होते हैं यूटीज़ अलग से नहीं होते कि मान लो सेंटर और यू टी के बीच में आ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या यू टी और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो ऐसा कोई प्रोविजन ओरिजिनल ओरिजिनल औरिजनल जोरिस्डिक्शन में नहीं है ठीक है तो यू टीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ओरिजिनल जोरेजेक्शन आर्टिकल वन थर्टी वन के अंदर यूटीज आर नॉट इंक्लूडेड ये ध्यान रखना डिफरेंस है ये याद रखना कि यूटीज जो हैं वो ओरिजिनल जोरिजेक्शन में इंक्लूड नहीं होते हैं इट डील्स विद ओनली सेंटर स्टेट 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 यू नो ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर इससे डील करता है ठीक है तो समझ में आ गया ओरिजिनल जोरेजेक्शन क्या होता है ठीक है फिर दूसरे पे आते हैं दूसरा क्या होता है दूसरा होता है रिट जोरेक्शन ठीक है रिट जोरेक्शन क्या होता है जिसमें हम ये सारी रिट रिट तो हमने डिस्कस किया है कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन तो ये सब हमने डिस्कस किया ना कि फंडामेंटल राइट अगर वो आपके वॉयलेट होते हैं तो रिट जोरेक्शन इशू होता है ठीक है और ये सुप्रीम कोर्ट गारंटी करता है ठीक है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वो, वो प्रोटेक्ट करेगा रिट्स इशू करके ठीक है दूसरा आते हैं दूसरा क्या है अपीलेट जोरिजिक्शन अपीलेट मतलब आपको अगर हाई कोर्ट में प्रॉब्लम हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करो यही होता है अभी हमने पीछे देखा था ना तो अपीलेट जोरिजिक्शन क्या होता है कि मान लो देखो मान लो क्या होता है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऑर्डर पसंद नहीं आया ठीक है तो क्या आपके आपको बस वो सजा माननी पड़ेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है आप जाके हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो ठीक है तो इसको हम बोलते हैं अपील मतलब कोई आपको डिसीजन जब पसंद नहीं आया तो उसको चैलेंज करने के लिए आप हायर जुडिशरी में जाके अपील करते हो तो उसको हम बोलते हैं अपीलेट जोरिजिक्शन समझ में आया अब सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स में क्या होता है ये अपीलेट जोरेजिक्शन सुप्रीम कोर्ट में कौन अपील करेगा किस किन केसेस की सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी जो हाई कोर्ट वाले केसेस हैं ना अगर आपको हाई कोर्ट का कोई केस कोई ऑर्डर पसंद नहीं आता है तो आप कहाँ अपील करोगे आप उसकी हायर जुडिशरी में अपील करोगे दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट है ना ऐसा तो नहीं है ना कि डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आ गया डिस्ट्रिक्ट केसेस में कोई केस में प्रॉब्लम आ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए ऐसा नहीं होता है, है ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाके हाई कोर्ट में जाओगे अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आपको कोई पसंद नहीं आया ठीक है अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है और आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसमें ठीक है तो आप कहाँ अपील करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हो समझ में आ गया इतना समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है अभी कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो ये अपील होते हैं एक तो है सिविल एक है क्रिमिनल एक है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और एक है स्पेशल पावर्स अब हम एक एक करके इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे ठीक है तो देखो तीन ये एक ग्रुप में है सिविल क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और ये स्पेशल लीव वाला जो है स्पेशल लीव पटिशन इसको बोलते हैं ना एस ये दूसरे ग्रुप में है ठीक है है सब अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर ही सब में अपील ही हो रही है चाहे वो स्पेशल लीव में अपील हो रही हो चाहे वो बाकी केसेस में अपील हो रही हो ठीक है अब बेसिक से समझते हैं कि क्या है ये अपीलेट जो रिस्टिक्शन देखो मान लो कोई सिविल केस का वॉयलेसन हुआ सिविल केस जैसे मान लो एग्जाम्पल है टैक्स की चोरी आप टैक्स की चोरी कर रहे थे ठीक है मान लो स्टेट uh, टैक्स की चोरी कर रहा था ठीक है तो हाई कोर्ट में अपील हुआ ठीक है अब हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट डिसीजन सुना दिया कि आपको एक करोड़ की पेनल्टी देनी है इसके लिए अब ला ब्लाबला जो भी उसने डिसीजन सुनाया ठीक है अब क्या हुआ कि स्टेट को ये पसंद नहीं आया जो भी बॉडी थी उसको ये पसंद नहीं आया कि भाई ऐसे मेरे को ऐसा सुना दिया मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो कहाँ अपील करेगा वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा बट यहाँ पे एक यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये ऐसे ऐसे ही अपील नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में जाके ठीक है कि मेरे को डिसीजन पसंद नहीं आया मज़ा नहीं आया तो मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दूंगा क्योंकि अगर ऐसे मज़ा नहीं आया वाला केस हो गया तो ऐसे तो कितने यू नो डिसीजन होते हैं जो आपके फेवर में नहीं होते हैं आप हर हर डिसीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले जाओगे अगर मैं मान लो आपको ऐसी एक फैसिलिटी दूँ कि आपको डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो तो आपको कोई भी डिसीजन पसंद नहीं आएगा आप सबके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे ना फिर तो तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे हर केस थोड़ी हैंडल कर सकता है कितना बर्डन बढ़ जाएगा वैसे ही कितना बर्डन है यू नो कोर्ट्स के ऊपर और बर्डन बढ़ जाएगा वैसे ही कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं है ना और ऐसे और बर्डन बढ़ जाएगा तो क्या होगा जुडिशरी काम नहीं कर पाएगा अच्छे से समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट इज़ ओनली फॉर दोज डिसीजन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है है ना आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके साथ ग्रॉस यू नो ग्रेव इनजस्टिस हुआ है ठीक है तो आप जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास समझ में आ रहा है बट तो अब इसका कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना कि कैसे आप जा सकते हो ऐसे थोड़ी आप मुँह उठा के चले गए सुबह मुँह उठा के धो के चले गए हाँ आज जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करेंगे ऐसे नहीं होता है ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है मान लो हाई कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर ठीक है तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई ठीक है आपको लगा कि यार ये जो है ये हाई कोर्ट ने गलत मेरे को डिसीजन दिया है है ना मेरे को अपील करनी है तो आप हाईकोर्ट के पास जाओगे आप हाईकोर्ट से बोलोगे मेरे को अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट को पहले इसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि येस इट इज़ अ मैटर जो अपील हो सकता है वो कैसे अपील करेगा या तो कोई क्वेश्चन ऑफ़ लॉ इन्वॉल्व्ड हो उसमें है ना जो भी मैटर है जो भी मैटर आपका डिस्कस हो रहा है उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ़ लॉ इन्वॉल्व हो ठीक है या फिर यू नो हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि इसमें कोई इंटरप्रिटेशन जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाईकोर्ट नहीं कर पा रहा है या हो सकता है हाईकोर्ट से गलती हो गई हो ठीक है तो उन्हीं केसेस में आप बस जा सकते हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है हाई कोर्ट से समझ में आ रहा है आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है हाई कोर्ट से कि हाँ दिस मैटर इज़ यू नो अ मैटर जिसमें लॉ का क्वेश्चन इन्वाल्व है या फिर इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है तभी आप जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो नहीं तो आप नहीं कर सकते ध्यान रखना ये बात ठीक है आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास कि मैं मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मेरी अपील सुनो ऐसे नहीं जा सकते आपको हाई कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा आपको हाई कोर्ट से सर्टिफाई सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि ये कोई क्वेश्चन ऑफ़ लॉ इन्वॉल्व करता है या फिर ये कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है तभी जाके जब हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई करेगा ये तभी आप जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन मतलब अपील कर सकते हो ठीक है इतना समझ में आ गया कि कब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो ठीक है अब देखो अब ये जो सिविल क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं इनमें आप इस तरीके से जाते हो ठीक है कि हाई कोर्ट से आप सर्टिफिकेशन लेते हो और फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने ठीक है बट ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभार कि भाई यू नो ऐसा हो सकता है ना कभी कभार कि यू नो हाई कोर्ट से एक्चुअली में सच में गलती हो गई हो और वो आपको बोल दे कि नहीं हम सर्टिफाई नहीं करेंगे हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि हमने ये चीज़ सही करी है ठीक है ऐसा हो सकता है ना ऐसा हो सकता है कि ये आर्बिटरी डिसीजन दे दे कोई हाई कोर्ट ठीक है और उनको ऐसा लगे कि उनकी तरफ से तो ये सही है इसमें कोई ना क्वेश्चन ऑफ़ लॉ इन्वॉल्व्ड है ना कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है तो आपको वो सर्टिफाई नहीं करेगा अगर आपको वो सर्टिफाई नहीं करेगा तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो नहीं जा सकते ठीक है तो उस केसेस में कैसे हम ये इंश्योर करें कि जस्टिस डिलीवर हो क्योंकि जुडिशरी का बेसिक काम क्या होता है जस्टिस डिलीवर करना अगर किसी भी तरीके से यू नो जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ तो जुडिशरी का फंक्शन खराब हो जाएगा ठीक है तो जुडिशरी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेज प्रोवाइड करता है कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है ठीक है तो अगर मान लो हाई कोर्ट से ऐसी गलती हो गई और हाई कोर्ट बोले कि नहीं नहीं हमसे कोई गलती नहीं हुई इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और इसमें कोई इंटर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है या फिर कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं है ठीक है और आपको स्टिल लगता है आपको स्टिल लगता है कि यू you नो know, आप, आ, आपको स्टिल ऐसा लगता है कि यू नो मेरे को अपील मिलनी चाहिए मेरे को एक चांस मिलना चाहिए तो आप क्या करोगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है जिसको वो बोलते हैं स्पेशल लीव पटीशन समझ में आ रहा है स्पेशल लीव पटिशन ये सिर्फ किस case केसेस में होता है ये सिर्फ स्पेशल केसेस में होता है ये ध्यान रखना हर हर दिन आप मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते ठीक है तो एक्सेप्शन होता है स्पेशल लीव के फॉर्म में कि अगर आपको ऐसा लगता है अगर आपको यू you नो know, ऐसा लगता है कि अगर आपको हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो तो आपके पास एक चीज़ अवेलेबल होती है दैट इज़ स्पेशल लीव पटिशन बट ये स्पेशल लीव क्या है ये स्पेशल केसेस में ही है ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है समझ में आ रहा है यह ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट योर अपील ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है दिस इज़ अ प्लीनरी जोरिस्डिक्शन प्लिनरी मतलब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है और बहुत ही रेयर केसेज में यूज़ होती है समझ में आ रहा है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी केसेज में यूज़ होती है जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा खुद से लगे कि हाँ यू you नो know, इसमें आ, इसमें मि, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या फिर जो लोअर जुडिशरी है जो हाई कोर्ट है उसने यू नो गलत डिसीजन दिया है तो ही वो स्पेशल लीव के थ्रू वो केस ले सकती है और फिर से वो रूलिंग सुनाती है समझ में आ रहा है तो वो होता है स्पेशल लीव पटिशन समझ में आ गया नॉर्मल केसेस में आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से जब आप सर्टिफिकेशन लोगे देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ठीक है ये नॉर्मल केस में होता है बट स्पेशल लीव में क्या होता है स्पेशल लीव मतलब स्पेशल केस है स्पेशल केस मतलब जब सुप्रीम कोर्ट को खुद से ऐसा लगे कि हाँ नहीं यार इसमें जो है आ, हो सकता है जुडिशरी ने कुछ गलती की हो तो मेरे को ये अपील सुननी चाहिए है ना तब ये जाके ये अपील सुनेगा बट आप ये एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते समझ में आ रहा है स्पेशली ये आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते दिस इज़ नॉट योर राइट दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ यू टू टू इन्श्योर दैट द जस्टिसज डिलीवर टू ऑल समझ में आ रहा है ताकि कोई यू you नो know, कोई भी ऐसा केस ना बचे जिसमें यू नो जस्टिस डिलीवर हुआ है समझ में आ रहा है क्योंकि जुडिशरी का काम क्या होता है जस्टिस डिलीवर करना है ना तो कोई भी वो ऐसा गैप नहीं छोड़ती है यू नो जस्टिस डिलीवरी में समझ में आ रहा है तो उसी लिए ये क्या प्रोवाइड किया गया है स्पेशली पटिशन स्पेशल पावर जम्स उसमें ठीक है समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं और आखिरी आखिरी क्या है एडवाइजरी जुडिसिक्सन ठीक है एडवाइजरी जुडिसिक्शन में क्या होता है एडवाइजरी मतलब क्या होता है एडवाइस करना समझ में आ रहा है एडवाइजरी मतलब क्या होता है एडवाइस करना तो ये क्या करती है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कुछ कुछ मैटर्स पे मान लो प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जिसमें हमको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए ठीक है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेजिडेंट को एडवाइज़ करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ठीक है तो इट एडवाइजेज द प्रेजिडेंट ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होता है तो प्रेसिडेंट मान लो उसको रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमको इस पर यू नो एडवाइस करिए तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर उसको एडवाइस करता है एंड 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 वन थिंग मोर इम्पोटेंट इज़ कि ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव चीज़ है मतलब ये हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है समझ में सर मारा ना प्रेसिडेंट हाई कोर्ट से कोई यू you नो know, ये नहीं मांगता है हाई कोर्ट हाई कोर्ट से कोई एडवाइस नहीं मांगता है सो दिस जुरिस्डिक्शन दिस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज़ ओनली अवेलेबल टू वो होम सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा अगर आ जाए कि एडवाइजरी जुरिस्टेसन इज़ आल्सो फॉर हाई कोर्ट तो क्या करोगे आप आंखों में पट्टी बांधते हो उसको गलत कर दो ना सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कोर्ट के पास नहीं है ये बात याद रखना एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन में क्या होता है ये एडवाइज़ करता है, है ना ये एडवाइस करता है किसको प्रेसिडेंट uh, को समझ में आया ये एडवाइस करता है किसको प्रेसिडेंट को ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज़ आप हमको क्वेरीज एट द रेट वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय टेक केयर